वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया है कि चंद घंटों में मोटरवे ज्यादती केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा देंगे। तमाम इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कवी उम्मीद है कि दरिंदा सिफ्त इंसान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक वीडियो पैगाम में मीडिया को बगैर तस्दीक के खबरें नशर से इज्तनाब का मशवरा भी दिया। मोटरवे ज्यादती केस के हवाले से इस वक्त जिला पंजाब सरदार उस्मान मुख्तार साहब की क्यादत में पंजाब हुकूमत और होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट, पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब और लाहौर पुलिस और साइंस फॉरेंसिक साइंस एजेंसी बड़ी मेहनत करके पिछले 3-4 दिनों से दिन रात एक करके 28 एसआई टीमें बनाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही घंटों के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम इस केस को वक्त के अंजाम तक पहुँचाएंगे और वो दरिंदा सिर्फ और शैतान सिर्फ मुलजिम जो है वो गिरफ्तार होंगे और कानून के लिए निशाने नहीं बन पाएंगे। लेकिन मेरी इस मौके पर गुजारिश एक मीडिया से और दूसरा हमारे पीटीआई के कुछ हमारे जो कायदीन है जो हमारे मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के मेंबर्स हैं उन दोनों से, पहली मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 4 ऑथेंटिक सोर्सेज है आपके। 4, पहला आपका सोर्स है सीएम सेक्रेटेरिएट, सीएम साहब का अपना बयान, दूसरा है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से मेरी तरफ से आपको कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आती है, तीसरा है लॉ मिनिस्टर, आपको राजा बिशारत साहब की तरफ से स्टेटमेंट आए या उनका कोई बयान आए तो वो ऑथेंटिक आपकी खबर होगी, चौथा हमारा होम डिपार्टमेंट है, होम सेक्रेटरी मोहम्मद आगा साहब के ऑफिस से अगर आपको कोई खबर आती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक हम लेते हैं, सेक्रेटेरिएट को इन्फॉर्म करके फिर उसके जरिए से जिस तरह भी हम उसको जो लेटेस्ट न्यूज होगी वो पब्लिक तक मीडिया के जरिए से जो है वो पहुँचाएंगे।